रहते तुम थे आप या? तीन लोग मेन से एंट्री किए। एंट्री करने के बाद एक था जो पतले लंबे था लड़का, उसने पिस्टल निकाला हुआ था और निकालने के बाद पहले गार्ड को, इसके बाद एक मेरा एम्प्लॉय था उसको कान के पास मारा जो कि उसका ब्लड निकलने लगा, और बाकी हम लोगों को एक कोने में इधर साइड में करवा दिया। साइड में करने के बाद एक जो दूसरा निकला, पहले एक एंट्री किया फिर दो पीछे से एंट्री किया। दूसरा जो एंट्री किया डायरेक्ट DVR के पास गया, DVR के पास उन्होंने सब तार काट दिया। एक था जो शिपमेंट ढूंढने लगा और DVR से तार काटने के बाद, इसके बाद मेरे पास आया कैश जो था टोटल बैग में, अपना ब्लैक कलर का बैग लिया था उसमें कैश डाला, और इसके बाद बोला कि तिजोरी का ये ताला खोलो, हम नहीं खोले। तो इसके बाद वो हमको पीठ पे एक मुक्का मारा, फिर उसको बोला खोल नहीं तो मार देंगे। तो फिर हमने सर वो तिजोरी का ताला मेरे से खुलवाया, खोले जो उसमें पैसा था 10 लाख में वो भी ले लिया सर। इसके बाद था एक जो शिपमेंट इधर लिया था वो शिपमेंट लिया। इसके बाद सर फिर मेरे पास जो एक बहन रहता है ताला, उसका हम लोग रखे रहते हैं, वो ताला लेकर के वो मेन गेट पे लॉक करके हम लोग को अंदर ही चला गया। तीनों बाहर चला गया। कितने लोग थे? तीन लोग थे सर। सब हथियार? हाँ, तीनों पर्सन थे। फिर गए सर जिस गेट से आए थे, मेन गेट से उसी मेन गेट से गए सर। तीनों तीनों सर पीछे से सर हम लोग नहीं गए। पीछे से जब वो लोग ताला बंद कर दिया था 15 से 20 मिनट के बाद, तब हम लोग का माइंड में आया कि पीछे का पूरा दरवाज़ा हम लोग ऐसे ऐसे निकल सकते, अपना खोल के हम लोग बाहर फ़ोन करने के लिए। सामने में ट्रक लगा हुआ था, उस ट्रक ड्राइवर से सर लोग पास उसका मोबाइल लेकर फ़ोन किया। पुलिस को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि सर को पहले इन्फॉर्म हम लोग किए, उसके बाद सर आए तो फिर पुलिस को लोग इन्फॉर्म किए सर। हेलो। उससे पहले सर फ़ोन करने से पहले एक गाड़ी पुलिस की आई थी, बस जिप्सी आ रही थी, हम लोग रुकवा के सर को जो आए थे अभी बता रहे थे वो उनको सर हम लोग दिखाए थे सर ऐसा ऐसा कांड हुआ, तो बोले ठीक है थाना में इन्फॉर्म करो। एक बार कितने बजे घटना? ये सर 9 बजे करीब घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा सर कृष्ण कुमार नाम है जी सर। कितने दिन पहले यहाँ से? 2 दिन पहले सर। तो फिर हम यहाँ पे आए। क्या घटना हुआ? कि चोरी हो चुका है, तो ये लोग भी इन लोगों का जो फ़ोन आया मेरे पास, इन लोगों का जो था कहना कि 5 लोग यहाँ पर थे, 2 गार्ड और 3 इन हाउस का टीम, तो 5 लोगों का फ़ोन वो जो रॉबरी करने आया हुआ था वो लेकर चला गया था, ठीक है ना। तो ये जब निकले बाहर तो सामने में ट्रक लगा हुआ था, उनसे उनके फ़ोन से मेरे पास फ़ोन किए, मतलब सर के पास किए थे। सर मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो फिर हम यहाँ पे कितना का ले गया? कैश ले गया, शिपमेंट ले गया, वही शिपमेंट रिकॉन्साइल अभी हो रहा है। कितना लगभग? कैश तो लगभग 15 के लगभग का है, एग्जैक्ट फिगर बता दिया जाएगा। और शिपमेंट का भी रिकॉन्सिलेशन चल रहा है, क्या ले गया क्या नहीं उसको थोड़ी देर में अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसे लगभग हो जाएगा क्योंकि मोबाइल ही कल अभी तो हम देख रहे हैं 17-18 मोबाइल ही हैं। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका? मृणाल कुमार। मैनेजर, क्या हुए यहाँ? क्या घटना हुई है फुलवारी? इसमें अभी बीती रात्रि जो है एक लूट की घटना रिपोर्ट हुई है, और ये एक वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसमें 3 की संख्या में अपराधी आए हैं और लूट की घटना की है। पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के उपरांत ही हम बता पाएंगे घटना किस तरह की है और इसमें किस तरह से की गई है और क्या नुकसान हुआ है, जांच के बाद। नुकसान का कुछ बताया है? इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग जो है जो कैशियर है इनसे बात हुई है, तो बता रहे हैं कि 14 से 15 लाख रुपये जो है उसमें था, लेकिन अभी हम लोग इनके बिल्स वगैरह चेक करते हैं बाकी डिटेल।